और आधा तुम। मैं मुखिया नहीं बन सकती। अपने बाबा को इस अवस्था में छोड़कर मैं मथुरा तो क्या कहीं भी नहीं जा सकती। तुम बरसाना के मुखिया की पुत्री हो रहा था। तुम्हारा कर्तव्य केवल तुम्हारे पिता के प्रति ही नहीं, इस पूरे गांव के प्रति भी है। कहो राधा, अपने बाबा के लिए, उनके दायित्वों के लिए तुम जाओगी ना? ना कह दो राधे, मना कर दो। किंतु ये कैसे संभव है? राधा तो स्वयं अभी बच्ची है, ये कैसे मुखिया बनेगी? हर माँ को पुत्री सदैव बच्ची ही प्रतीत होती है काकी, किंतु हमारी राधा कहीं अधिक समझदार, धैर्यवान और साहसी है। समस्त गांव राधा से प्रेम करता है, क्योंकि वो केवल राधा ही थी जिसने उस कंस के विरुद्ध जाकर समस्त कुंभकारों की सहायता करने का साहस दिखाया था। और सभी चाहते हैं कि बरसाना की मुखिया केवल राधा ही बने। हाँ हाँ, आयन सही कह रहे हैं, राधा ही बनेगी हमारी मुखिया। हाँ, राधा ही हमारी मुखिया बनेगी। हम सबको राधा स्वीकार है। राधा स्वीकार है। राधा मुखिया बनने की योग्य है। बोलो राधा। देखो, सभी लोग तुम पर आश लगाए बैठे। राधा मुखिया बनने के योग्य है। कहो, बनोगी ना बरसाना की मुखिया? नहीं। देखिए, मैं मुखिया नहीं बन सकती। इस समय मैं इस दायित्व के लिए सज्ज नहीं हूं। ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा समस्त बरसाना को तुम्हारी आवश्यकता है? नहीं यार, बरसाना से कहीं अधिक मेरे बाबा को मेरी आवश्यकता है। और मैं इस दायित्व के लिए सज्ज नहीं हूं। क्षमा कर दीजिए। अच्छा ही हुआ कि राधा ने स्वयं ही मना कर दिया गाना। किंतु अब आगे क्या होगा गाना? कृष्ण,
तुम यहाँ इस समय? तुम सोए नहीं? भोर से तुमने कुछ खाया नहीं है राधे, भला मुझे नींद कैसे आएगी? स्वयं अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, खा लो। नहीं कृष्ण, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, लगता है आज मुझे भी भूखा पेट सोना पड़ेगा। क्या तुमने भी भोर से कुछ नहीं खाया? तुम्हारे बिना भला मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ राधा? भूख तो बहुत लगी है मुझे, पर चलो सोचता हूँ आज तुम्हारी ही भांति मैं भी उपवास कर लूँ। चलो आता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं खाती हूँ, आओ बैठे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो राधे, मेरी मन मीत हो। जानता था मैं तुमसे नहीं हो पाएगा। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था महाराज, किंतु राधा की स्वच्छंद इच्छा शक्ति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब राधा मुखिया नहीं बनेगी और ना ही वो मथुरा आएगी। मौन, ये कंस का रचा व्यू है, तुम्हारी योजना नहीं जो सफल नहीं हो पाएगी। स्वच्छंद इच्छा शक्ति, ऐसा कोई भाव संसार में है ही नहीं। मनुष्य अपनी भावनाओं का, अपने प्रेम का दास होता है। जब मन ही स्वच्छंद नहीं तो उसकी शक्ति स्वच्छंद कैसे? ये लो। राधा की भावनाओं से खेलने का समय आ गया। यदि कंस चाहता है तो राधा मथुरा आएगी। आएगी राधा मथुरा।